की तरफ जा रहा हूँ, 500 मीटर आगे है मुझसे एक और मस्जिद का मीनार मुझे दिखाई दे रहा है बाएं जाने। मेरे पास जी यहाँ पे भी सलातो सलाम बोला जा रहा है अजान से पहले, उसके बाद अजान कही जाएगी। अभी मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस तरफ जाना है। गुजरांवाला की तरफ और डस्का से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ। ये दाएं बाएं सारा डस्के का मंज़र है, मार्केट हैं कुछ खुली कुछ बंद। ये माई पिज़्ज़ा के नाम से फास्ट फूड शॉप है, पीछे एक चौक था आगे फिर एक चौक है और मुझे जाना है चौक से दाएं तरफ, क्योंकि बाएं जानब सियालकोट है और इस ख़तरनाक टर्न से मुझे फ़ायदा मिलेगा इन गाड़ियों के साथ रहने से। ये गाड़ी जब जाएगी तो इसके साथ मैं भी चला जाऊंगा दूसरी तरफ। सामने से एक और छोटी गाड़ी आ रही है जिसको इस तरफ जाना है, कैसे जाएगा ये। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि ये लोग आगे बढ़ें तो इनकी ओट में मैं भी यू टर्न ले लूँ। यू टर्न नहीं लेना है मुझे, मुझे जाना है इस तरफ सीधा बाएं तरफ का शीशा। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कथीरा, व सुभानल्लाह बकरतम वसीला। बगैर नंबर प्लेट के सीडी 70, कभी दाएं जा रही है कभी बाएं जा रही है, सिगरेट पता नहीं पक्का है इनका। खैर, अभी मुझे जाते रहना है इस सड़क के साथ साथ। डस्का को छोड़ के जा रहे हैं पीछे और आगे है हमारा शहर। मुझे दोनों तरफ मार्केट नज़र आ रही है, रौनक है अभी। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, ऑटो वर्कशॉप है शायद। बाएं तरफ है मेरे डोगो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, दाएं तरफ गाड़ियाँ पार्क हैं, रिक्शे पार्क हैं, औरतें जा रही हैं आ रही हैं, कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की टीचर्स अबाए पहने हुए। तो स्कूल का टाइम क्योंकि ख़त्म हुआ है, कॉलेज का टाइम ख़त्म हो रहा है, एक वैसे अभी डेढ़ हुआ है सिर्फ, तो शायद किसी स्कूल कॉलेज को छुट्टी हुई है। कुछ ऐसी भी हैं जो ख़रीदारी करने के लिए निकली हैं। बाएं तरफ पार्किंग है, कोई स्कूल कॉलेज था मैं देख नहीं सका। दाएं तरफ मुझे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल, मैंने पहले भी इसको देखा है, ये दोबारा यहाँ पे मुझे मिला है कैंपस इसका। पहले मैंने गालबा इसका संबड़ियाल कैंपस देखा था या सियालकोट कैंपस। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे बाएं जाने, फ्रेंचाइज है यकीनन। और मेरे सामने सड़क खुली है, रश कम है, अलजीज़िया हस्पताल, वाल चेकिंग है, नहीं ये बिल्कुल यही जगह पे है, हॉस्पिटल ही है। बाएं जानेब है अली हस्पताल और यहाँ पे सिटी सेंटर है, रमज़ान सिटी सेंटर। डस्के के अंदर मैं मौजूद हूँ, अंजम नागरा हस्पताल है ये, तहसील हेडक्वार्टर सिविल हस्पताल डस्का। यहाँ से मुझे जाना है बिल्कुल सीधा डस्के के बाहर से हम निकल रहे हैं बाहर की जानेब। बाएं जानेब सीडी 70 बगैर नंबर प्लेट के, एक और बगैर नंबर प्लेट के होंडा सीडी 70। बाएं जानेब जो ज़रई मशीनें हैं उनकी वर्कशॉप्स भी हैं, उनके शोरूम्स भी हैं। सेफ स्टील की दुकानें, लोहे की दुकानें, लोहे की वर्कशॉप्स, यूनाइटेड एग्रो, वही ज़रई आलात। बाएं जानेब कसरत से दुकानें, शायद इनकी ये मशहूर मार्केट है।
अब मुझे डॉक्टर्स के क्लिनिक दिख रहे हैं बाएं जानेब, मिल्लत एग्रो इंजीनियर, ये सारी मार्केट दाएं बाएं डस्के में। मुझे ये एग्रो की बाएं जानेब ये देखें, जितनी हैं सारी जरी मशीनें हैं ये दिखाई दे रही हैं, मुगल रहमान, शहजाद एग्रो इंजीनियरिंग और ट्रैक्टर और जनाब गाड़ियों की पार्किंग, ऑटो वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स, पाकिस्तान एग्रो, मून एग्रो, ये सब एग्रीकल्चर वाली मार्केट है बाएं जानेब। और मेरे सामने एक मशहूर चौक है, एक छोटी बच्ची सिलेंसर पट्टी के ऊपर अपना पांव टिका के बैठी है। इनको चाहिए कि पायदान लगवा लें बाएं तरफ। मेरे दाएं तरफ एक मोटरसाइकिल सवार था जिसने बहुत सा सामान बड़े बड़ी बोरियां सी लोड की हुई थी और वो रास्ता तंग था और वो ज़बरदस्ती गुजरने की कोशिश करने लगा था और इस चक्कर में वो मुझे भी गिराने लगा था और ख़ुद भी गिरने लगा था। फिर जब उसको समझ आई कि हो क्या रहा है तो फिर उसने जल्दी से ब्रेक लगाई और मुझे उसने फिर गुजरने का मौका दिया। वजह यह थी कि उसकी रफ़्तार ज़्यादा थी और मेरी रफ़्तार कम थी, अगर वो साइड से गुजरने की कोशिश करता तो उसका सामान मुझे नीचे गिरा देता। यहाँ से पुल गुज़रा है, अब मेरे दाएं बाएं है रौनक। मैंने जो आपसे कहा था कि डस्के से मैं